अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आगरा पहुंचे थे। प्रवीण तोगड़िया संगठन के विस्तार के लिए लंगड़े की चौकी स्थित चार खंबा संगठन के योगेश निगम के आवास पर पहुंचे थे। गौरव कुशवा अपनी विजयनगर टीम को लेकर स्वागत के लिए पहुंचे। यहां पर वह पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रवीण भाई तोगड़िया अपने पुराने अंदाज में नजर आए और विशेष समुदाय पर हमेशा की तरह हमलावर होते हुए दिखाई दिए। भारत में आज हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज भारत में ही हिंदू खुद को असुरक्षित व असहज महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आज भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित वर्ग है। किसी हिंदू बहन पर कोई हमला होता है या कोई घटना होती है तो उसके साथ एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता। वहीं अगर मुस्लिम वर्ग की महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके साथ पूरा देश खड़ा हो जाता है। यह कहना था हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया का। बस हमारा संकल्प है अब तो हिंदू ही आगे, और हिंदू सभी परिवारों को आगे ले जाने के लिए हमने देशव्यापी अनेक प्रकार के कार्यक्रम, गरीबों को अन्न, गरीबों को फ्री में प्राइवेट के डॉक्टर, मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, बच्चों की टैलेंट पढ़ाई में आगे आ जाए इसलिए उनका प्रयास, और महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, ऐसे अनेक कार्यक्रम हमने देश में शुरू किए हैं। सर लव जय आपको लेकर क्या कहेंगे? प्रतिदिन देखा जाता है कि यूपी बस सब हिंदुओं को चिंता है कि हमारी बहन बेटी को कोई फंसाएगा नहीं, और श्रद्धा के 35 टुकड़े के बाद तो सब में चिंता और डर दोनों है। केंद्र सरकार को एंटी लव जिहाद कानून बनाना चाहिए, और हम देशव्यापी महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग हमने शुरू की है। सही, महिला सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई कानून लागू नहीं हुआ है। देखा जाता है उत्तर प्रदेश में आए दिन घटना घटती है महिलाओं के संग, और एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को लेकर इतनी बड़ी बातें करती है पर कोई भी अभी तक कोई रणनीति नहीं बनी है, उस पर क्या कहना है? करेंगे योगी जी करेंगे। धन्यवाद। प्रत्येक वर्ष प्रवीण भाई तोगड़िया जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में दिसंबर जनवरी और फरवरी के माह में प्रवास करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनके घर परिवार की समस्याएं जानते हैं, और हिंदू रक्षा निधि के रूप में और संगठन को एक नई दिशा देने के लिए आते हैं, और मूल मंत्र उनके कार्यकर्ताओं को देते हैं उसी के लिए कि आज आगरा में लगभग 8 परिवारों में उनका प्रवास है। वहाँ 8 परिवार में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और कुछ डॉक्टर्स हैं उनके परिवार से मिलेंगे, और आगे की दिशा और नीति और आगे संगठन किस तरह से कार्य करेगा ये सब बातों को वो बताएंगे। ऐसे कार्यक्रमों से क्या संदेश जाता है, कितना लोग युवा नया जुड़ रहा है आप? देखिए प्रवीण भाई तोगड़िया, अगर हिंदुत्व का कहीं विषय आता है तो अगर भारतवर्ष में किसी का नाम लिया जाता है तो एक ही चेहरा है प्रवीण भाई तोगड़िया, बाकी मजारों पर चादर चढ़ाने का कार्य अन्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए युवा प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में जुड़ने के लिए है और युवा उनके साथ जुड़ रहा है।